स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्तियों की झड़ी लगा दी है, बहुत सारी भर्तियां रोज निकाली जा रही है। आज भी दो भर्ती अभी तक निकल चुकी है, आगे और भी निकल सकती है, कल भी दो तीन भर्तियां निकली थी, लगातार भर्तियां निकाली जा रही है। तो आज की भर्ती के बारे में, पहली भर्ती जो है वो विज्ञापन संख्या से परीक्षा SEF 1 रेंज ऑफिसर ग्रेड 1। दोस्तों ऑफिसर लेवल की भर्ती, अच्छा खासा वेतन इसमें आपको मिलेगा। दो भर्तियां हैं, सहायक वन रक्षक और 1 रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 के। ऑफिसर ग्रेड 1 का जो है वो जो वेतनमान आपका होता है वो ज्यादा होगा, सहायक वन रक्षक का वेतनमान कंपैरिजन में कम होगा। 99 पद जो हैं वो सहायक वन रक्षक के हैं, 70 पद जो हैं आपके ऑफिसर वन रेंज अधिकारी के जो पद हैं वो ग्रेड 1 के हैं। यहाँ पर टोटल आपको बात करें तो 169 ये पद हो जाते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली, कितने पद हैं, कितने क्या होगा, कैसे कैसे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें टिपिकल इसमें दी हुई है। अगर आप यहाँ देखें तो किस प्रकार के सब्जेक्ट का इनको चयन आपको करना है, किस प्रकार से आपको कितने कितने पेपर हो गए, एक बार और बता दूँ, इसमें इंटरव्यू भी होगा। समस्त एनालिसिस मैंने कर लिया है, अभी आपको सारी जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यता क्या है। योग्यता दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसके साथ, लिस्ट ऑफ द वन सब्जेक्ट, नेमली एक सब्जेक्ट इनमें से एक होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्टोरिकल, जियो हिस्टोरिकल कल्चर, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, बैचलर इन डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड कोई सी भी बीटेक की डिग्री हो चलेगी। समझ में आए, एक बार फिर से रिपीट में कर देता हूँ, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, इसमें होना चाहिए आपके साथ सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री हो, वेटनरी साइंस हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, साइंस हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, हिस्टोरिकल कल्चर हो, जियोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, स्टैटिक्स हो, जियोलॉजी हो, और आपके साथ बैचलर डिग्री हो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में बैचलर डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, बीटेक की, आपके पास कोई सी भी स्ट्रीम से चलेगा। समझ में आई बात। अब बात कर लेते हैं आयु कितनी, आयु आपकी 18 से 40 वर्ष तक कोई भी दे सकता है। आयु में छूट क्या होती है आपको पता है, समस्त नोटिफिकेशन में सब चीज़ आपको बता चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए, चयन प्रक्रिया में सबसे ऊपर का टॉपिक है, अन्य विवरण के नीचे लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्वायरमेंट सेल कंसिस्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों होगा, एग्जामिनेशन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, दोनों होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किस प्रकार से इसकी लास्ट डेट है, कब ये एग्जाम भरे जाएंगे, क्या है। 27/4/2018 से आवेदन आप प्रारंभ कर सकते हैं, 16/5/2018 तक आवेदन आप भर सकते हैं। आवेदन के अगर आप कोई गलती कर देते हैं आवेदन में, तो आपको आवेदन के लिए, संशोधन के लिए भी टाइम यहाँ पे मिलता है, वो टाइम है 7/5/2018 से लेकर के 3/5/2018 तक। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, rpsc.rajasthan.gov.in अप्लाई ऑनलाइन पर सेलेक्ट करके अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, जाकर के SSO पोर्टल पे आपको अपना जो लॉगिन करके वहां से OTR जनरेट कर लेना है। OTR जनरेट करने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप सारी चीज़ें डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है, सिलेबस किस चीज़ का है, किस प्रकार से एग्जाम होगा। दोस्तों दो टाइप्स एग्जाम में होंगी, एक तो दो सब्जेक्ट तो आपको होंगे कंपलसरी, दो सब्जेक्ट होंगे आपके ऑप्शनल। दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो सब्जेक्ट आपको होंगे कंपलसरी, दो सब्जेक्ट होंगे आपके ऑप्शनल। आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है वो लेना जरूरी है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आपको दो सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। तो कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर है जनरल नॉलेज का, पहला सब्जेक्ट है 100 नंबर का पेपर उसका होगा, और जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट है 100 नंबर का उसका होगा। तो जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश सबके आएंगे, सबको पढ़ना पड़ेगा, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश 100 नंबर के दोनों होंगे। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूँ, टोटल यहाँ पर 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट दे रखे हैं, एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग की कोई सी भी डिग्री चलेगी, उसके अलावा एनवायरनमेंट साइंस की होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री की होनी चाहिए, जियोलॉजी की होनी चाहिए, हिस्टोरिकल कल्चर की होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की होनी चाहिए, कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, फिजिक्स ले लीजिए, स्टैटिक्स ले लीजिए, वेटरनरी साइंस ले लीजिए, जियोलॉजी ले लीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना, इन 12 सब्जेक्ट में भी एक कंडीशन है, अभी जाइएगा नहीं इस वीडियो को छोड़ करके, कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। कंडीशन ये है कि ये जो सब्जेक्ट आप लोगे, वो सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट आप दो चूज करोगे उनमें से ये सब्जेक्ट मैच नहीं करना चाहिए जो यहाँ पर दे रखा है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक मोर देन वन सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स, इन ग्रुप्स में से एक भी सब्जेक्ट मैच नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो एग्रीकल्चर का आपने सब्जेक्ट ले लिया, तो फिर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, वेटरनरी साइंस नहीं ले सकते, केमिस्ट्री ले लिया आपने तो केमिकल इंजीनियरिंग आप नहीं ले सकते, कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिया तो साइंस एंड कंप्यूटर सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने ले लिया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, मैथमेटिक्स ले लिया तो स्टैटिक्स नहीं ले सकते। अब लेना कैसे, ट्रिक सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आपका मैथमेटिक्स में MSc है तो आप मैथमेटिक्स ले लीजिए और फिजिक्स ले लीजिए, हो गया काम। अगर आपका हिस्टोरिकल में है तो हिस्टोरिकल ले लीजिए और एनवायरमेंट ले लीजिए, दोनों सेम ही चीज़ होती है। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के साथ आप क्या नहीं ले सकते, केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, केमिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स ले लीजिए और केमिस्ट्री में फिजिक्स आती है।
फिजिक्स भी ना ले तो केमिस्ट्री के साथ बोटनी ले सकते हैं, बोटनी केमिस्ट्री के साथ आती है, बायोलॉजी का पार्ट ही होता है। इस प्रकार से ग्रुप बना लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इन ग्रुप से डिफरेंट हो। अब फिर बात करते हैं कि ये पेपर कैसा होगा। पेपर के बारे में आपको बता दूँ, जो पेपर होगा उससे पहले आपको पेपर के पहले नहीं, पेपर के बाद आपको जो है अपियर करना होगा आपका वाइवा। वाइवा होता है इंटरव्यू, जो कि RS में होता है, उसी बार इसमें भी हो रहा है। ये दूसरा एग्जाम है RPSC का इस साल का, जिसमें इंटरव्यू हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट और भी है फिजिकल फिटनेस के लिए। फिजिकल फिटनेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 सेमी का आपका हाइट होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेमी होना चाहिए। फीमेल को फायदा है, थोड़ा कम है वहाँ का। नॉर्मल अगर बात करूँ मैं सीने की, तो 84 सेमी का आपका सीना होना चाहिए, फीमेल्स के लिए 79 सेमी का होना चाहिए। जो आपका सीना फुलाने के बाद, जीरो प्रसार करने के बाद आपको 0.05 सेमी का होना चाहिए, और 5 सेमी का ही महिलाओं का भी होना चाहिए। यहाँ पे समस्त जानकारी आपको दे दी मेल और फीमेल कैंडिडेट की। फॉरेस्ट ऑफिसर ग्रेड के लिए आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो भी है, आपको वॉकिंग टेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग टेस्ट, यानी कि आपको 4 घंटे तक चलना है 25/16 किलोमीटर। इस 25/16 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको, पैदल पैदल चलना है और 4 घंटे तक आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेल को चलना पड़ेगा 25, फीमेल को चलना पड़ेगा 16, ठीक है, मेल को 25 और फीमेल को 16। और कितने घंटे में चलना पड़ेगा, 4 घंटे तक चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट मस्ट बी पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कवरिंग द डिस्टेंस 25/16 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 25 तो हो गया मेल का और 16 हो गया फीमेल का, किलोमीटर में है ये, ध्यान रख लेना। किलोमीटर 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा मेल्स को, फीमेल्स को चलना पड़ेगा। अगर हिम्मत हो तो भरे, नहीं हो तो ना भरे, फिर भी ठीक है, भर दीजिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो होना चाहिए आपका, गवर्नमेंट से इशू होता है वो, और समस्त जानकारी यहाँ पर हो चुकी है। गिरिराज सिंह कुशवाहा सचिव हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है, नोटिफिकेशन निकाला है, और तैयारी करनी है इसकी, आप लग जाइए। बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे जॉब आप करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर हमने दे दी है, राजस्थान करंट अफेयर की भी संपूर्ण जानकारी मिलती है, सब कुछ चीज़ें मिलती है, रोजगार खबरें मिलता है, सब कुछ चीज़ें मिलती है। बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ, धन्यवाद। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from